प्रियंका गांधी द्वारा मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उपलब्ध करवाई गई बसों को लेकर जिस प्रकार की घटिया राजनीति योगी सरकार कर रही है, उसने भाजपा का असली चरित्र और चेहरा देश की जनता के समक्ष बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि बेबस और असहाय मजदूरों की मदद करने के लिए आगे आने वालों को सहयोग करने की बजाय उन पर मुकदमे बनाकर उन्हें गिरफ्तार करना देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे निम्नतम स्तर है। योगी सरकार की कार्यप्रणाली से सिद्ध हो गया कि भाजपा का एजेंडा हर मुद्दे पर निम्न स्तर की राजनीति करना है। भाजपा और इसके नेताओं की मानसिकता विपक्ष तथा विपक्षी नेताओं से नफरत करने एवं उन्हें अपमानित करने की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोविड केयर फंड के नाम से देश तथा प्रदेश सरकारों द्वारा जनता के दान डीए फ्रिज कर और कर्मचारियों की तनख्वाह से काट कर जमा किया गया धन किस मकसद के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसका आपदा और महामारी के समय में दर दर भटकते मजदूरों को राहत देना क्या इस फंड के एजेंडे में नहीं है। प्रेम कौशल ने केंद्र और प्रदेश सरकारों को आग्रह किया कि यदि देश का मजदूर तथा किसान कहीं टूट या हार गया तो देश को बर्बाद होने से कोई आदमी नहीं बचा पाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के माध्यम से मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराई गई बसों को लेकर जिस तरह की निम्न स्तर की राजनीति योगी सरकार कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा पूरी तरह से देश की जनता के समक्ष बेनकाब हो चुका है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दर दर की ठोकरें खा रहे श्रमिकों की मदद के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका सहयोग करने के बजाय उनके ऊपर मुकदमे बना रही है और उनको सलाखों के अंदर डाल रही है। भारतवर्ष के इतिहास में ये जो घटनाक्रम है, ये राजनीति का मैं समझता हूं सबसे निम्नतम स्तर है। भारत और प्रदेश सरकारों ने जो कोविड फंड के नाम से धन एकत्रित किया कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए सीज करके, कर्मचारियों की तनख्वाहों में कटौती करके और हजारों लाखों लोगों ने दान के रूप में सरकार को दिया, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि कोविड फंड केयर फंड का जो धन है क्या उसके एजेंडे में जो मजदूर वर्ग है उसको राहत देना नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकारों से एक बात स्पष्ट है कहना चाहता हूं कि यदि देश का श्रमिक और देश का किसान कहीं थक गया, टूट गया, हार गया तो इस देश को बर्बाद होने से कोई अदानी कोई अंबानी नहीं बचा पाएगा। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से और विभिन्न राज्य सरकारों से ये निवेदन करती है कि इन दर दर की ठोकरें खा रहे असहाय और मजबूर मजदूरों और श्रमिकों की मदद करने में किसी तरह की राजनीति करने से बाज आए। ये राजनीति इस देश को बहुत महंगी पड़ेगी।